नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉलम का हिसाब किताब और मैं हूं अनिल चक्रवर्ती। दोस्तों, आपने कोरोना वायरस का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने बेरोजगारी वायरस का नाम सुना है? ये ऐसी घातक महामारी फैलाती है कि एक बार एक इकोनॉमी को ये अपने ग्रस्त में ले ले तो उसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है। और इस वक्त हमारे देश में ये महामारी बुरी तरह पूरी तरह फैल चुकी है। 5 बड़े लक्षण इसके मैं बताऊंगा। सारा जो डेटा आप देख रहे हैं वो सारा डेटा CMII का होगा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। पहला लक्षण क्या है? लक्षण नंबर 1 है कि आबादी बढ़ती, काम जो कर सकते 15 साल से ज्यादा वाले उम्र के लोगों की आबादी बढ़ती है, लेकिन नौकरी यहां कम होती रहती। क्या ये लक्षण हमारे देश में है? 5 साल पुरानी डेटा से स्टार्ट करते हैं, 2016 सितंबर और उसके साथ तुलना करेंगे अगस्त 2021 का। 2016 सितंबर में अगर हमारे देश में 100 लोगों के पास 100 लोग ऐसे थे जो काम कर सकते हैं, यानी 15 साल से ज्यादा है, और उसी तरह मैं ये भी ले लेता हूं कि 100 लोगों के पास नौकरी थी, तो यही चीज 2021 अगस्त में जाके 15 प्लस उम्र वाले लोगों की तादाद 112 हो गई, यानी 12% बढ़ गई है, लेकिन नौकरियां 5% घट गई, 95 पर उतर आई है अगस्त 2021 में, 5 साल में। यानी पहला सिम्टम साफ हमारे देश में दिख रहा है, लक्षण तो है इस बीमारी का। लक्षण नंबर 2, यंग लोगों के पास, जो 20 से 24 साल के यंग लोग हैं, कॉलेज से निकले, उनको नौकरी नहीं मिलती है। फिर से मैं लेता हूं कि सितंबर 2016, 5 साल पहले, अगर 100 ऐसे युवा यंग लोगों के पास नौकरी थी, अगस्त 2021 में आके वो गिरकर 62 पे आ गई, यानी 38% गिरा है यंग लोगों के नौकरियों का अवसर। यंग लोग 20 से 24 साल का, आप सोच सकते हैं। उसी तरीके दूसरे तरीके से देखता हूं कि अगर 2016 के अगस्त सितंबर में 100 यंग लोग काम ढूंढ रहे थे या काम करना चाहते थे, तो उनमें से 68 को काम मिल रहा था, ठीक अच्छा नहीं था तब भी। 2021 अगस्त में आकर 50 को काम नहीं मिल रहा, यानी बेरोजगारी दर यंग लोगों में 50% है इस वक्त, 50%। लक्षण नंबर 2 भी साफ दिख रहा है और ये खतरनाक लक्षण है। लक्षण नंबर 3 क्या है? लक्षण नंबर 3 है कि जितना भी पढ़ लिख लो भैया, आपको नौकरी मिलना उतना आसान नहीं होगा। ये देखिए कि अगर हमारे देश में सितंबर 2016 में 100 ग्रेजुएट के पास काम था, अगस्त 2021 में आकर वो 91 हो गया, 9% घट गया है। हाँ, और जब ग्रेजुएट लोगों को काम नहीं मिलता तो क्या होता है, लोग ग्रेजुएशन करना नहीं चाहते। इसलिए ये भी देखिए कि अगर 2016-17 में हमारे देश में 100 लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, 2020-21 में आकर वो 98 पे आ गया, 2% कम हो गया ग्रेजुएशन करने वाले लोग। इसका मतलब साफ है कि आबादी बढ़ने के बावजूद लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही है। लक्षण नंबर 3 भी साफ है इस बीमारी का हमारे देश में। चलिए देखते हैं लक्षण नंबर 4 क्या है। लक्षण नंबर 4 है कि सैलरी वाली, वेतन वाले, स्टेबल नौकरियां अब बहुत कम हो गई है, गायब हो रही थी। सितंबर 2016 में अगर 100 ऐसी नौकरियां थी तो 2021 के अगस्त में गिरकर वो 91 पे आ गई। फिर से इसमें भी 9% घट गया है सैलरी वाली नौकरियां। एक और चीज है कि अगस्त 2021 में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं जिनके पास रोजगार है, सिर्फ 19 के पास सैलरी या वेतन वाली नौकरी, सिर्फ 19 के पास, यानी 80% से ज्यादा लोगों के पास सैलरी वाली नौकरी नहीं है जो सब चाहते हैं, है ना। तो सिम्टम नंबर 4 भी आपके सामने साफ है। अब आखिरी सिम्टम देखते हैं, सिम्टम नंबर 5। ये सिम्टम क्या है कि रोजगार में उल्टी गंगा बह रही है। कहां? किसी भी विकासशील देश में लोग खेती छोड़कर फैक्ट्री में काम ढूंढते, ऑफिस में काम ढूंढते, यहां क्या हो रहा है, फैक्ट्री से निकलकर वापस खेती में जा रहे लोग। ये देखिए कि सितंबर 2016 में अगर 100 नौकरी खेती में थी, 100 लोग खेती में काम कर रहे थे, तो 37 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, ठीक है। वही अगर मैं 2021 अगस्त का देखूं तो खेती में काम करने वाले लोग 5% बढ़ के 105 पे चले गए हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग लगभग आधे हो गए हैं, 19 पे आ गए, 49% घट गया है फैक्ट्री में नौकरियां। यानी साफ है कि पांचों के पांच लक्षण
इस महामारी के बेरोजगारी वायरस की जो बीमारी है वो हमारे देश में साफ दिख रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, सबसे घातक बात यह है कि कोरोना वायरस का तो वैक्सीन निकल गया, आप अस्पताल भी जा सकते हैं, डॉक्टर आपका देखभाल भी करेंगे, हो सकता है कुछ दवाई भी कुछ दिनों में निकल जाए। ये जो बीमारी बेरोजगारी की है, ये जो महामारी है, बहुत सालों से चली आ रही है, लेकिन इसका कोई भी इलाज नहीं दिख रहा है। आज का शो यहीं तक, न्यूज क्लिप देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।